नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिभा क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के कटाफ के बारे में। आज के इस वीडियो हम एक्चुअल में कटाफ जो क्या रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपकी कटाफ जाने वाली बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एक्चुअल कटाफ होगी और हम फीमेल और मेल में दोनों कटाफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए आपसे एक बात कहनी है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उससे पहले हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में बात करते हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम आने वाला है जो कि 15 से 16 अक्टूबर को एग्जाम लगा हुआ है। 15 to 16 अक्टूबर को ये एग्जाम लगा हुआ है और इसकी डेट देखिए, ये फाइनल तो यही डेट है, लेकिन अगर इसके बाद अगर आगे बढ़ती है तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कब इसकी लास्ट डेट बनाई जाएगी, मतलब अंतिम डेट जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन कब बनाई जाएगी। इस एग्जाम में कैसे तैयारी करें और क्या करें, किस तरीके से कोर्स कंप्लीट करें, तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और इन्हीं 10 प्रैक्टिस सेट से आपके सारे क्वेश्चन फंसेंगे जो कि घटना चक्र से रिलेटेड होंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो किससे होंगे, घटना चक्र से रिलेटेड होंगे, तो यहां से आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो जो आपके 10 सेट बनेंगे तो ये टोटल 20 वीडियो में बनेंगे, 20 वीडियो में बनेंगे और इसमें मतलब एक सेट के दो वीडियो बनेंगे, एक सेट कंटेन 2 वीडियो। ये क्या करेगा, 1 सेट कंटेन 2 वीडियो, ये 2 वीडियो में एक सेट कंप्लीट होगा। 50 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे और 50 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में करेंगे, इस तरीके से हम करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें आपको फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा, फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा और साथ ही साथ में कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहां से ये देखिए, ये चीज कंप्लीट करने के बाद में आप इसमें पीईटी के स्कोर में जो कि 2022 का एग्जाम है इसके स्कोर में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, 80 प्लस स्कोर कर सकेंगे, 80 प्लस। और इसके बाद में आपको यहां से ही आपकी परसेंटाइल है जो कि बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। देखिए परसेंटाइल आपकी यहां से बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और इसी एग्जाम के बाद में अगर आपने देखा होगा कि जो बंद रहेगा भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है तो इसमें भी क्या होगा, आपके लिए फायदेमंद शामिल होगा। बंद रहेगा भर्ती का जो नोटिफिकेशन आने वाला है इसमें आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, जो कि अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी होगी और परसेंटाइल बहुत ज्यादा प्लस में रहेगी और यहाँ पर 80 प्लस स्कोर कर सकेंगे मात्र 10 सेट में, 10 सेट के वीडियो से ही आप 80% स्कोर कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं यूपी लेखपाल कटाफ के बारे में कि यूपी लेखपाल की कटाफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले, ये शुरू तो हो चुका है, शुरू करने से पहले आपसे एक और गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने जो यूपी लेखपाल का एग्जाम कराया था तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों यूपी लेखपाल इसका एग्जाम कब हुआ था, 31 जुलाई 2022 को इसका एग्जाम हुआ था, 31 जुलाई 2022 को एग्जाम हुआ था। 1 अगस्त 2022 को इसकी आंसर की आ गई थी, 1 अगस्त 2022 को इसका, देखिए एग्जाम कब हुआ था, आंसर की कब आई थी, आंसर की में कुछ आपत्तियां थी तो स्टूडेंट ने 8 से 10 क्वेश्चन में आपत्तियां दिखाई जिनमें बताया गया कि ये क्वेश्चन गलत होने चाहिए। फिर इसके बाद में क्या हुआ, रिवाइज आंसर की कब आई, रिवाइज आंसर की आई आपकी 7 सितंबर 2022 को, इस दिन आई आपकी रिवाइज आंसर की, रिवाइज आंसर की आ गई थी। अब इस आंसर की के बाद एक क्वेश्चन में क्या किया गया, एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स दिए गए और 2 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए गए। तो ये इस रिवाइज आंसर की में किया गया था। इसके बाद में देखिए क्या किया गया था, और आपको बता दें जो इसकी कटाफ है ये कितनी जाने वाली है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि रिवाइज आंसर की के बाद में कटाफ क्या जाने वाली है। तो देखिए कटाफ भर्ती पर डिपेंड करता है कि कितनी थी, 8085 भर्ती थी,
8085। फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे? 247,000 प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे, 212,000 प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था, 212,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो यहां से देखिए कितने अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कट ऑफ के बारे में देखते हैं, यहां पर हम देखेंगे फीमेल की और मेल की, और इंटरवल रहेगा फीमेल और मेल का, जिसमें हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और जो हमारे विकलांग यानी पीएच फिजिकल हैंडीकैप है, इनके बारे में हम कट ऑफ देखेंगे, और फ्रीडम फाइटर इसके बारे में भी कट ऑफ देखेंगे। देखिए जनरल की अगर फीमेल की बात करें तो 72 प्लस माइनस 1, 72 नंबर जा सकती है जनरल के फीमेल की, इसमें एक बढ़ सकता है कम भी हो सकता है एक दो नंबर। तो इसके बाद अगर मेल की बात करें तो मेल की जो कट ऑफ जाने वाली है ये 76 प्लस माइनस 1 जाएगी, इसमें भी एक नंबर बढ़ सकता है और कम हो सकता है कुछ। इसके बाद में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी ये जाएगी 69 प्लस माइनस 1 जाएगी, और इसके बाद में अगर हम मेल की कट ऑफ की बात करें तो ये 73 प्लस माइनस 1 जा सकती है या 2 जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो यह कट ऑफ आपकी जाने वाली है यहां पर 67 नंबर प्लस माइनस 1 या 2 नंबर जा सकती है, 67 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। अगर मेल की बात करें तो यहां पर मेल की कट ऑफ में जाएगा 72 नंबर, 72 प्लस माइनस 1 नंबर जा सकता है। यहां पे देखिए 68 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है और 69 भी हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। यहां पर 68 के हेरफेर ही रहेगी, आपको इतना याद रखना होगा 68 के आसपास ही जाने वाली है और इसके बाद प्लस माइनस 1 हो सकता है। एससी के कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की एससी की कट ऑफ जाने वाली है 63 नंबर, 63 नंबर प्लस माइनस 1 कट ऑफ इसकी जाएगी, 63 से 64 नंबर। इसके बाद अगर मेल की बात करें तो मेल में यह कट ऑफ जाने वाली है 69 नंबर प्लस माइनस 1 कट ऑफ जाएगी। इसके बाद में एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ जाएगी 58 नंबर प्लस माइनस 1 ये कट ऑफ जा सकती है, और यहीं अगर हम मेल की बात करें तो मेल में यह कट ऑफ जा सकती है 64 प्लस माइनस 1 नंबर जा सकती है कट ऑफ। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो रहेगी ये कितनी रहने वाली है, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रहने वाली है 59 से 61 के बीच में, 59 से 61 के बीच में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रहने वाली है। जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है इनकी भी कट ऑफ जो रहेगी वो भी इसी के आसपास में रहेगी, 60 से 61 तक इनकी कट ऑफ रह सकती है, 60 से 61 या फिर आप कह सकते हैं 58 भी रह सकती, कम भी जा सकती थोड़ी सी, तो इनकी कट ऑफ ऐसे रहने वाली है। फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें तो फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ भी 60 से 61 के बीच में ही रहेगी, इसी के हेरफेर में ये कट ऑफ रहेगी। तो ये आज हमने डिस्कस किया जनरल की कट ऑफ, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप और फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर मैंने बताया एग्जाम कब हुआ था और पेपर कब हुआ था, आंसर की कब आई थी, इसके बाद में 7 सितंबर को रिवाइज्ड आंसर की आई थी, और रिवाइज्ड आंसर की में आपको एक मार्क्स, एक क्वेश्चन पर फुल मार्क्स दिए गए थे और 2 क्वेश्चन पर ऑप्शन चेंज किए गए थे। तो ये हमारा लेखपाल का ब्यौरा रहा है पूरा। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी है, इस वीडियो के अनुसार आपको हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आपके अगर इतनी कट ऑफ में अगर आ रहे हैं, लगभग में आप आ रहे हैं, एक दो नंबर कम भी हो रहे हैं, तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार करवा लीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, जिसको वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर और साथ ही साथ में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, यहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।